वाह, यहाँ तो एक रास्ता है दोस्तों। सही कहा, लेकिन क्या ये इसी दिशा में जा रहा है? ये तो पता नहीं, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो पढ़ कर देखे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ऐसा जो आसमान में उड़ सके, यहाँ लिखा है जो पेड़ पर चल सके, जिसके मुख पर दांत और बड़ा मुंह हो। तो कौन सी चीज कहाँ कहाँ डाले? एक मछली और बर्ड, ये स्पेशल क्रोकोडाइल है ना? ऐसी चीज जो आसमान में उड़ सके वो कोई नहीं होगी। और दो चीज तैर सके वो होगी फिश, लेकिन ये तो काफी आसान है ना। क्रोकोडाइल भी तैर सकता है और साथ ही मंकी भी। ओ हाँ, तुमने सही कहा, पेंगुइन एक बर्ड होती है लेकिन उसे तैरना भी आता है। अरे हाँ दोस्तों, ये सिर्फ मंकी ही है जो पेड़ पर चढ़ सकता है। ये चीज इस पिक्चर बुक में देखी हुई है। अगर ध्यान से नहीं किया तो बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। करना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। मुझे दम करो, मुझे पूरा यकीन है कि जरूर आप बताएंगे। आसमान में कौन सी चीज होती है? काश हमारी मदद के लिए कोई यहाँ होता। देखो तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब जवाब सही था। लगता तो है। अच्छा ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। अगला मंकी है, कोशिश करते हैं। अरे जरा रुको, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। जो चीज पर चढ़ सके वो होती है ठीक। पापा हमारे
रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता इस पर विश्वास करना चाहिए। बस देखते जाओ तो ठीक है। इस तरह दोस्तों चलो। लेकिन अरे अब चलो छोटा होता
मार सको। अब क्या होगा? ओहो, इस तरह तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुझे पता था ये लोग काम अकेले करना चाहता को छुपा कर रखा था। अच्छा, ये लोग हमसे लड़ना चाहते हैं। अपने की तैयारी करो। बचा लिया है। अब चारों तरफ खुशी और शांति होगी पहले की तरह। कैसे तुम्हें इस एडवेंचर पर मजा आया ना लोकता? हाँ,
फिर से इस तरह के कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज जिसको सब लोग देखकर बहुत हैरान है, देखने से लगता है कि ये लोग किसी बात की खुशी बना रहे हैं। ये चीज जो बीच में है लगता है ये गफूर है ना? कहना तो मुश्किल है, ये दूसरी चीज तो काफा की तरह।